हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनल काउंट विद एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट। पहले लेक्चर में मींस प्रीवियस वीडियो में मैंने टोटल 7 एडजस्टमेंट को कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, स्किप मत कीजिए कोई भी वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर आप देखिए ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ लग सके। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 7 एडजस्टमेंट कवर हो जाए ताकि आपकी थोड़ी वीडियो बने एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि टोटल एडजस्टमेंट्स हमारे पास 25 प्लस हैं। ओके, सो सबसे पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे डेप्रिसिएशन। मींस डेप्रिसिएशन क्या होती है वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहले हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है डेप्रिसिएशन का। लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फाइनल अकाउंट्स में नोट करनी है, उसके लिए हमें क्या एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो डेप्रिसिएशन है वो एट द एंड ऑफ ईयर, जो साल के एकदम एंड में लगाई जाती है, तो बुक्स में वो पहले रिकॉर्ड नहीं की जाती। हम क्या करते हैं, 31 मार्च को एक ट्रांजैक्शन या फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे डेप्रिसिएशन बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, वो विद एडजस्टमेंट एंट्री होती है। ओके, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आप पहले ही समझ चुके हो, चलो मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन डैश एसेट, कोई भी एसेट्स हो उस पे टू एसेट्स नेम, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट, कोई भी एसेट्स हो उसका नेम आ जाएगा, ये जनरल एंट्री बनती है। ओके, और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमारा दो जगह ही जाएगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट टू प्लेसेस पे होता है, एक P&L और दूसरा बैलेंस शीट में, जहाँ फिर एक ट्रेडिंग, एक बैलेंस शीट में जहाँ फिर ट्रेडिंग एंड P&L में, जो 3 तरह के ट्रीटमेंट बनते हैं। सो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट जाएगा P&L एंड बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हमारा एक्सपेंस है एक, ठीक है, तो ये जाएगा हमारा P&L में डेबिट साइड, तो इसको हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन डैश डैश जो भी एसेट्स है उसका, और वो हम टोटल अमाउंट डाल देंगे वहां पर। ओके, मीन्स डेप्रिसिएशन हेड के अंदर नंबर ऑफ एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आप उसको डैश 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 करके लिख सकते हो 1 by 1, और उसका टोटल लगा के P&L में डाल सकते हो। मैं वो आपको सिखा भी देता हूं आगे एग्जाम्पल में। और बैलेंस शीट में आप डालोगे डेप्रिसिएशन को, आप माइनस करोगे अपने एसेट्स की वैल्यू से, मींस कोई भी एसेट है पर्टिकुलर, उस एसेट्स को लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे, लेस करोगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है इतना, और नेट जो निकलेगा वो आप अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे। ओके, सो चलिए आप एक इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सोज हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें हमें फर्नीचर दिया हुआ है और हमें कंप्यूटर दिया हुआ है। फर्नीचर हमें दिया हुआ है 50,000 का और कंप्यूटर इक्विपमेंट दिए हुए हैं 1 लाख के, और नीचे हमारे पास एडजस्टमेंट लिखी हुई है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% एंड ऑन कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 25%। सो हमें परसेंटेज दी हुई है डेप्रिसिएशन की, कॉस्ट भी दी हुई है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जो भी हमारे पास बैलेंस है। ओके, सो सबसे पहले हम फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्नीचर हमारे पास 50,000 का है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है 10%, तो 10% 50,000 का किया, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन निकल गई हमारे पास 5,000। और ऐसे ही हम कंप्यूटर इक्विपमेंट की भी कर लेंगे, कंप्यूटर इक्विपमेंट हमारे पास टोटल दिए हुए हैं 1 लाख के, तो हमारी डेप्रिसिएशन दी हुई है 25%, तो 1 लाख का 25% किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 25,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा 30,000, फर्नीचर के सामने आ जाएगा 5,000 और टू कंप्यूटर दिया हुआ है 25,000। अब इसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं हम। P&L अकाउंट में आप लिखोगे डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन और नीचे लिखोगे स्लैश फर्नीचर, मीन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ गया 5,000 और ऑन हमारा कंप्यूटर इक्विपमेंट 25,000, टोटल लगा के आप 30,000 अमाउंट कॉलम में लिख दोगे। और बैलेंस शीट में आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, बैलेंस शीट में आप करोगे फर्नीचर लिखेंगे आप एसेट साइड फर्नीचर, उसका अमाउंट कितना है 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 5,000, नेट निकाल के अमाउंट कॉलम में लिख दोगे 45,000। सेम ही आपने करना है कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ, कंप्यूटर इक्विपमेंट कितने है हमारे पास 1 लाख के, लेस डेप्रिसिएशन 25,000, नेट निकल के आ गया हमारे पास 75,000, ये अमाउंट कॉलम में जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम समझ लेते हैं अपनी
नाइन्थ एडजस्टमेंट है जो टोटल वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन पे भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, वो एडजस्टमेंट में भी हो सकता है और हिडन भी हो सकता है। मीन्स अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो पर्टिकुलर डेट को लिया होगा, उस डेट से लेके आपने क्लोजिंग ऑफ द ईयर तक का लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अगर आपने सपोज 1 अक्टूबर को लोन लिया है और आपका ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, मीन्स आपका टोटल पीरियड कितना बन गया 6 मंथ। लेकिन जो परसेंटेज आपको गिवन होती है वो मोस्टली आपको गिवन होती है पर एनम, पी ए मीन्स पर एनम, पूरे साल की परसेंटेज गिवन होती है। तो आपको लोन का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकालना होगा, 6 मंथ का निकालना होगा, ठीक है। तो मंथली निकालने के लिए पर एनम को आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ का पीरियड आपने यूज किया वो, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ। इस केस में आपके पास आ जाएगा 6 / 12, क्लियर। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री है वो बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक या फिर कैश, जिससे भी पेमेंट हो रही है। अगर पेमेंट नहीं हो रही तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बन जाएगा, वो हमारा एक्सपेंस ही है तो वो लायबिलिटी बन सकती है। वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, वो भी वैसे ही ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का भी, ओके। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, P&L अकाउंट में जाएगा जे एक्सपेंस साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना भी अमाउंट हो अमाउंट कॉलम में चला जाएगा। और अगर तो एडजस्टमेंट में पेमेंट के बारे में कुछ बोला है वो लिखना पड़ेगा आपको। अगर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप इसको आउटस्टैंडिंग मान के ही चलोगे, तो आप बैलेंस शीट में क्या डालोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट डालोगे अमाउंट कॉलम में, ठीक है। आप इसको अलग से भी शो कर सकते हो बैलेंस शीट में, या फिर आप अपने बैंक के जो बैंक से लोन है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से लोन है उस लोन के अमाउंट में भी ऐड करके इसको टोटल भी शो कर सकते हो, ओके। अब हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपके पास दिया हुआ है बैंक लोन एट द रेट 10% पर एनम ₹1,00,000। अब 1,00,000 का लोन आपने लिया हुआ है 10% पे, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट दी हुई है इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू फॉर अ होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन अभी ड्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसकी जनरेटरी क्या रिकॉर्ड होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कॉन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अमाउंट कितना बन जाएगा 1,00,000 का 10%, जो 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 और बैलेंस शीट में हम बैंक में ही ऐड कर देंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, तो जो हमारा बैंक लोन है उसमें ही ऐड करना है। तो लिखिए बैंक लोन कितना है 1,00,000, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, टोटल हमारा लोन अब बन गया 1,10,000 का, क्लियर। अब इस एडजस्टमेंट को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जहां पर अगर लिखा हुआ आपके पास आ जाए इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फॉर 4 मंथ्स ओनली, मीन्स 4 मंथ का अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना है 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 / 12, मीन्स 4 मंथ का निकालना है, जो 10% है वो पर एनम है तो 4 महीने का निकालना पड़ेगा ना, तो 4/12 करना है आपने, ओके। जे अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा 3,333, पॉइंट है तो आप 33 तक इसको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम ही हो जाएगा, P&L अकाउंट में आप अमाउंट चेंज कर लोगे 3,333 आ जाएगा और बैलेंस शीट में आप ऐड कर दोगे 3,333, तो टोटल आपका निकल के आ जाएगा 1,03,333 बैलेंस शीट में टोटल लोन अमाउंट, ठीक है। एक इसकी हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है लोन की, अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट लिखकर नहीं दी गई तो आपको ऊपर लिख दिया है इंटरेस्ट, जो आपको लोन का अमाउंट दे दिया है, इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हुई है, लोन का अमाउंट दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करके ही आना है इंटरेस्ट। सपोज यहां पर लिखा है ना बैंक लोन एट द रेट 10% पर एनम 1,00,000, तो ये इंटरेस्ट तो लगना ही है, आपको बोला नहीं है किस पीरियड का पेंडिंग है, तो आप पूरे साल का ही चार्ज करके आओगे, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा कि लोन किस पीरियड से पेंडिंग है या किस पीरियड का है, कुछ भी पीरियड मेंशन नहीं किया, आपने पूरे साल का कैलकुलेट करके ही आना है। अगर आपको बैंक लोन के साथ या फिर किसी और पर्टिकुलर लोन के साथ उसकी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मेंशन की हो, ओके।
ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बस अमाउंट ही चेंज होने वाला है, ओके। और इसमें एक एडजस्टमेंट हो सकती है कि आपको ट्रायल में ही लिखा हो बैंक लोन एट द रेट 10% पर एनम टेकन एज ऑन डेट 1 अक्टूबर 2020, जो भी मीन साल हो आपका, मीन्स आपको उसमें ही बता दिया कि कब लिया है लोन ट्रायल बैलेंस में ही, आपने उस डेट से पीरियड कैलकुलेट करना है अपना एंड ऑफ द ईयर। अगर जहां पर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर तो आप कैलकुलेट करोगे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, जो 6 मंथ बनते हैं। अगर आपको 1 जैन से बोला है तो 1 जैन से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ बनेंगे, क्लियर। उस पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद आप जो भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट हम लोन की करेंगे वो सिंपली करोगे जो आप मैंने पहले सिखाई है, ठीक है। वो आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हो, ईयरली कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला वो ही रहेगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट हिडन हो सकती है, जस्ट मैं ये बताना चाहता हूं, ओके ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट को समझते हैं, 10th नंबर को, चैरिटी इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स। अब आपको ये भी एडजस्टमेंट आ सकती है कि गुड्स की फॉर्म में आपने चैरिटी की हुई है, डोनेशन की हुई है, वो चीजों का आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे वो हम देख लेते हैं। चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स का मीन यही है कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दान कर दी है गुड्स, अपनी अपने जो प्रोडक्ट है फाइनल आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दान कर दिए हैं, वो आपकी चैरिटी बन जाती है, ओके। अब इसका जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, ठीक है। इसकी जो जनरल एंट्री पड़ेगी वो क्या डलेगी, वो आएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मींस अब परचेज को ही कम कर लेंगे, कॉस्ट ही कम कर लेंगे। आपने जनरल एंट्री की होगी चैरिटी की पहले भी, तो मैं उसकी ही पोस्टिंग आपको एडजस्टमेंट की करनी सिखाऊंगा जहां पर। तो इसको क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे चैरिटी को, ठीक है। चैरिटी हो, डोनेशन हो, कुछ भी वर्ड हो सकता है, गुड्स की हो, ठीक है, उसको हम परचेज से सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट लिखेंगे टोटल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको अपना एक एक्सपेंस मान लेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे टू चैरिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा, क्लियर। सो चलिए इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें टोटल परचेज दिया है हमें, परचेज है हमारे पास 2 लाख, और एडजस्टमेंट में आपको लिखकर दिया हुआ है गुड्स वर्थ ₹10,000 गिवन एज अ चैरिटी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप जाओगे, टू परचेजेस 2 लाख लिख के उसमें से लेस करोगे चैरिटी, कितनी आ गई 10,000, आपकी नेट परचेज निकल के आ जाएगी 1,90,000। अब परचेज रिटर्न वगैरह जहां और कुछ हो वो सारा कुछ ट्रीट होना है, जहां पर ओनली 2 आइटम है इसलिए मैं 2 का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। जे ना हो कि चैरिटी हो तो आप रिटर्न का ट्रीटमेंट ही भूल जाओ, रिटर्न भी सब्ट्रैक्ट होगी, चैरिटी भी सब्ट्रैक्ट होने वाली है, ओके। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू चैरिटी, कितना आ जाएगा 10,000 अमाउंट कॉलम में, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास 11th, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। जो चैरिटी के साथ ट्रीटमेंट किया वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा, बस नेम अलग हो जाएगा, इसको हम चैरिटी नहीं बोलेंगे, ये हमारा खर्चा आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। ट्रीटमेंट वही है, परचेज से सब्ट्रैक्ट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट, जितना भी अमाउंट हो, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास 12th, ड्राइंग इन गुड्स। अब गुड्स की ही ड्राइंग की हो, अब गुड्स की ड्राइंग की हो वो भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा आपका, जिस केस में ऑनर गुड्स विड्रॉ करवा रहा है उसके हम बोलते हैं ड्राइंग इन गुड्स। सो इसका ट्रीटमेंट 2 अकाउंट में होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे परचेजेस से, गुड्स की ड्राइंग हो रही है, और बैलेंस शीट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको कैपिटल से, ओके, क्योंकि कैपिटल पे ही ड्राइंग जाती है टोटल, हम जितनी भी ड्राइंग है सारी की सारी कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ऑनर विड्रू गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। देखिए इलस्ट्रेशन आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में टोटल परचेज दी हुई है 1 लाख की और कैपिटल दी हुई है 2 लाख की। सो इसका ट्रीटमेंट हम सबसे पहले करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास परचेजेस गिवन है और गुड्स विड्रॉ गिवन है, तो परचेजेस हमारे पास कितनी है 1 लाख, तो लिखिए टू परचेजेस 1 लाख और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ड्राइंग्स कितनी है 5,000 की, तो
तो नेट परचेज आपकी निकल के आ गई 95,000। और सेकंड ट्रीटमेंट इस एडजस्टमेंट का होगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप लिखोगे कैपिटल, कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख की, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग, वो गुड्स की हो, कैश की हो, जो भी हो, आपने ड्रॉइंग का टोटल लगा लेना है, जहां पर हमारे पास ओनली एक ही है 5,000। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 1,95,000। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं हमारी 13th नंबर, वो है यूज ऑफ गुड्स इन अ बिजनेस। मीन्स अपनी ही गुड्स हम यूज कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में एक एसेट को क्रिएट करने के लिए। सपोज हमारी जो शॉप है वो फर्नीचर शॉप है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो फर्नीचर है बेचने के लिए तो रखेंगे, वो हमारी गुड्स हो जाती हैं, लेकिन जो अपने यूज के लिए रख लिया वो हमारा क्या बन गया, फर्नीचर एक एसेट बन गया। ओके, सेम ड्राइंग का ट्रीटमेंट ही वैसे होगा जैसे ट्रेडिंग बॉन्ड में, परचेज अकाउंट से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बैलेंस शीट में फर्नीचर या फिर कौन सा भी एसेट्स है वो एसेट में उसको ऐड करके टोटल अमाउंट लिख लेंगे। ओके, चलिए एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास ट्रायल दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 10,000 का और परचेजेस दी हुई है 20,000 की। हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, तो एंड में दिया हुआ है हमारे पास कि आउट ऑफ द परचेज ऑफ फर्नीचर 1 टेबल वर्थ ₹1,000 एंड 4 चेयर वर्थ ₹2,000 आर यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, इलस्ट्रेशन में क्या है, हमारे पास एक फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है, टोटल परचेज दी हुई है 20,000, फर्नीचर दिया हुआ है 10,000। अब हम क्या करेंगे, जो टेबल है जो हमारे पास एडजस्टमेंट दी हुआ है 1000 का टेबल है, 2000 की चेयर है, जो बिजनेस अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, मीन्स उसको एज एसेट यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम करेंगे क्या, हम परचेजेस में से लेस कर देंगे टोटल अमाउंट। लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस कितनी है 20,000 की, लेस गुड्स यूज्ड फॉर ओन बिजनेस कितनी आ गई टोटल 3,000, माइनस किया तो हमारे पास 17,000 परचेजेस में रह गया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखेंगे हम, अब उसके बाद जे अमाउंट हम फर्नीचर में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। सो चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। फर्नीचर का टोटल लिख लीजिए 10,000, उसमें ऐड कर दीजिए गुड्स यूज्ड एज फर्नीचर फॉर अ बिजनेस कितना है 3,000, टोटल आ गया हमारे पास 13,000। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं एडजस्टमेंट 14th नंबर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ खर्चे का होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा अमाउंट हम स्पेंड कर देते हैं जिसको हम क्लेम नहीं कर पाते एक फाइनेंशियल ईयर में, मींस करंट ईयर में, क्योंकि वो जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें ईयर ऑन ईयर मिलने वाला है, मींस वो कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल तक का उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए हम उसको एक साल में जो है क्लेम नहीं कर पाते, प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई फर्म बहुत ही ह्यूज लेवल पर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है अपना और उसी बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट डालने के लिए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड करती है, ठीक है, सपोज उन्होंने 20 लाख रुपीज एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर दिया, लेकिन उनका प्रॉफिट जो होता है ईयरली वो 5 लाख to 6 लाख 7 लाख के अराउंड होता है, मींस कुछ पोर्शनों पर उनका ही प्रॉफिट होता है, लेकिन वो 20 लाख उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे ही स्पेंड कर दिया तो वो उनके एरिया से तो बाहर हो गया ना, वो ह्यूज अमाउंट हो गया उनके लिए। ओके, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, जब इस तरह के एक्सपेंडिचर की हमारे पास एडजस्टमेंट आती है, वो राइट ऑफ करने की एडजस्टमेंट आती है, इसे हम क्या करते हैं, जो तो करंट पीरियड पे जितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो करंट पीरियड पे लगा देंगे और बाकी का क्या करेंगे, हम एक एसेट क्रिएट कर लेंगे। सपोज ये 20,000 का इम्पैक्ट हमें 5 साल तक मिलना है, ठीक है, 5 साल हमें जो बेनिफिट देने वाला है जो हमने स्पेंड किया एडवर्टाइजमेंट पे 20 लाख रुपीज, तो 1 साल का बेनिफिट कितना हो गया 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, टोटल हो गया हमारे पास 4 लाख, जो 4 लाख स्पेंट है वो हमें 1 साल में इंपैक्ट दिखाएगा और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम जो P&L अकाउंट में डालेंगे वो 4 लाख डालेंगे और जो 16 लाख अमाउंट बचेगा वो जाएगा हमारा एसेट बन जाएगा एडवर्टाइजमेंट
एसेट, ठीक है, एसेट साइड डल जाएगा 16 लाख और टू एडवर्टाइजमेंट डल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 लाख ओनली। ओके, समझ लग गई। मैंने साथ में ही आपको एडजस्टमेंट के साथ में इलस्ट्रेशन भी करा दी, मीनिंग भी क्लियर हो गया और आपकी इलस्ट्रेशन भी साथ में ही क्लियर हो गई। चलिए, आज की मैंने 7 आपको आगे और एडजस्टमेंट करवा दी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एडजस्टमेंट, वो है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, वो हम एक ही वीडियो उस पर बनाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तो स्टे ट्यून। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।